नेटवर्क सही रहेगा, क्लास को कंटिन्यू करें? सबसे पहले प्रकट, हाँ भाई अच्छे बच्चों की कैटेगरी में ना आप लोग हैं, तो पहले प्रकट हो जाना, एकदम से एक्टिव रहने की निशानी है। अभी शेयर करके आ रही हूँ। ये पता, ये बारिश वगैरह की वजह से ही हो रहा है नेटवर्क। सही बात, आप लोग जो कह रहे हैं ना आंधी तूफान, उसका असर है। चलेगा नहीं, ऐसे फिर से घूम रहा है। दीपा शांत शांत, कोई बात नहीं। और ये लैंग्वेज हमने सीख ली है, जैसे आप लोग कहते हैं ना नेटवर्क मरा जा रहा है, ये हम भी बोलना सीख लिए, तो उनको डांट भी पड़ गई कि ये कौन सी लैंग्वेज में मरा जा रहा है जिया जा रहा है। संविधान का ये क्वेश्चन हो चुका था कि नहीं हो चुका था? ये भगवान, हाँ ठीक है ठीक है, आप लोग रिप्लाई करिए, हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग रिप्लाई करिए, आप लोग रिप्लाई करते रहिए, आप लोग रिप्लाई करते रहिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। क्वेश्चन का हमें भी पता नहीं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, संविधान के 99वें संशोधन के बारे में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, ये बताता है 99वां संशोधन, ठीक है? और न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? कितनी बिट्स होती है जो एक बाइट बराबर होती है? उत्तर आपका कौन सा सही होगा? कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती? वैसे आपको बता दूं, मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है इस टाइम। कितनी बिट्स एक बाइट के 4 है, 8 है, 12 है, 32 है। वैसे भी जिसको पढ़ना होता है ना, वो चाहे वो भरी भीड़ में पढ़ना होता है, ऐसी आदत डालिए, भरी भीड़ में पढ़ना हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी कंडीशन को ब्लेम मत करिए पढ़ने के लिए। अभी आपको भरी भीड़ में, जब एग्जाम से पहले आप आते हैं, कितनी भी भीड़ रहती है, बस में कहीं पर भी कैसे भी ट्रेवल करते हैं आप लोग, पढ़ लेते हैं, तो फिर वो किसी कंडीशन के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं ना, तो ऐसी आदत डालिए कि लोग चिल्लाते भी रहे आपको पढ़ना पड़ते रहिए, ठीक है? तो कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? वैसे भी जहाँ 4 लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बातें होती रहती है। 4 है, 8 है, 12 है, 32 है। आप लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को चेंज करिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ठीक है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 8 है, 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट कही जाती है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट कही जाती है। क्या करूं, एकदम समझ ही नहीं आता। एक जो केबी होता है, एक केबी कितने के बराबर होता है? एक केबी कितने के बराबर होता है? आप लोग नेट खूब यूज करते हैं ना, देता है, जब बहुत ही गड़बड़ नेटवर्क रहता है, वैसे मेरे में कभी एमबी तो आता ही नहीं, केबी ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है।
एक केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। और एक एमबी कितने के बराबर होता है? 1 MB बराबर होता है। मेरा मन करता है ना मेट्रो सिटी की तरफ भाग जाएं। 1024 KB। और 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर होता है 1000 MB। नहीं लेडीज नहीं, आजकल जो लेडाज लोग हैं वो भी एकदम से खूब बतकही करते हैं, खूब, बल्कि लेडीज पीछे हैं। ये सारी चीजें ना खत्म हो रही है, सारी चीजें खत्म हो रही है। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या, आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार होता है, पैराबोलिक होता है, अंडाकार होता है, शंक्वाकार होता है। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एलिप्टिकल होता है, अंडाकार होता है। हमें बैठ के एकदम से रोने लगेंगे, नेटवर्क की वजह से बहुत गुस्सा आ रही है आज। और आज हम बहुत एनर्जी से आए थे, मतलब खूब एकदम से हम जीवो ही है, जीवो। चलिए चलिए, ये जो अंडाकार होता है, ठीक है। अच्छा आपको बताते चलते हैं, ग्रह के लिए कुछ शर्तें होती है, ग्रह के लिए शर्तें होती है, ग्रह के लिए शर्तें निर्धारित की गई है। और इन शर्तों में अगर कोई नहीं आता तो उसे ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया जाता है। तो इसी के आधार पर प्लूटो को निकाल दिया गया था, इसी के आधार पर प्लूटो को निकाला गया था। कैसे? जैसे अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं तब ग्रह आते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल हो तो ये गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, और फिर उनके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं हो, ठीक है। चलिए, और इन शर्तों को एम नहीं पूरा करता है, नहीं करता था, इस कारण से इसे अगस्त 2006 में, आपको याद होगा ना, अगस्त 2006 में प्राग सम्मेलन में, प्राग सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल करके बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया था, बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन। अरे हम बच्चों का भी सपोर्ट करते, कोई कुछ बोल के तो देखे पहले, ऐसा नहीं है वो तो। मैंने एक होता है ना, अरे भाई आप लोग, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसी मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? समान रूप से दृश्य और तुलना में, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? चलिए, ग्रीन हाउस गैस का जो मिश्रण पूछा जा रहा है इसमें से कोई विकल्प ऐसा सही नहीं था। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्वेश्चन में ऑप्शन में डालना चाहिए था, वो डाला नहीं गया था, तो विकल्प ही गड़बड़ था ना, तो इस वजह से उसको छोड़ दिया। डेज ऑफ ग्रेस, वैसे क्वेश्चन आप सभी जान रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस किसका मिश्रण है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कौन कौन सी वातावरण के लिए नुकसानदायक होती हैं, किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, ये इस पे आई है। डेज ऑफ ग्रेस ये किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, आर्थर एश, आर्थर एश। डेज ऑफ ग्रेस, ये आर्थर एश टेनिस लीजेंड है, ठीक है, टेनिस लीजेंड है, इनकी जीवनी है। अच्छा, टेबल टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? टेबल टेनिस का जो जन्मदाता है किस देश को माना जाता है, आप लोग बताइए।
टेबल टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1926 में। कब हुई है? 1926 में हुई, 1926 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, किसके कारण? साबुन में एंटीसेप्टिक जो गुण होता है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके और भी स्टूडेंट आ सके। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, कौन से? ऑप्शन ए सही हो जाता है, विथ ऑप्शन ए सही होता है। देखिए विथ योनल, आपको इंग्लिश में लिखते हैं विथ्योनल मिश्रण है ये, ठीक है। आपको बताते चलते हैं, जो जितने भी साबुन होते हैं सभी उच्च वसी अम्लों के बने हुए होते हैं, उच्च वसी अम्लों के ये मिश्रण होते हैं। मिश्रण ही होंगे जो चीजें इसमें डाली जाती हैं, इनका रेशियो बढ़ाया भी घटाया भी जा सकता है, ठीक है। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण को हम क्या कहते हैं? कड़े वाले साबुन कहते हैं, जो कपड़ा धोने के काम में आता है, ठीक है। और उच्च वसी अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं, जब सोडियम लवण होता है तो कपड़ा धोने वाला हो जाता है, जब सोडियम लवण होता है, ठीक है, सोडियम। और जब पोटेशियम लवण होता है तब ये कौन सा साबुन होता है? नहाने वाला, मुलायम साबुन होता है। और ये वाला सोडियम वाला कड़ा साबुन हो जाता है कपड़े धोने वाला, मुलायम वाला पोटेशियम वाला होता है जो नहाने के काम में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक सम्राट बन गई है, उसने उनके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास करके राज किसे दिया? एक मिनट, यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक किया जाए, फिल इन द ब्लैंक, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक सम्राट बन गई है, ठीक है। सम्राट तो नहीं होगा, पहली बात तो सम्राज्ञी होगा, सम्राज्ञी होगा, ये नोट कर लीजिए, सम्राज्ञी, ये स्त्रीलिंग है, सम्राज्ञी बन गई है। उसने फिल इन द ब्लैंक द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को तोड़ा है, इतना समझिए। उत्तर यहां पर आपका सही होगा, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इन्होंने महारानी विक्टोरिया के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये लगभग 63 वर्षों तक ये साम्राज्ञी थी, और महारानी जो विक्टोरिया थी ये द्वितीय वाली 63 वर्ष, और जो महारानी विक्टोरिया थी 62 वर्ष तक ये शासन की है, 62 वर्ष कुछ माह से अधिक तक ये शासन की थी। महारानी विक्टोरिया 1857 ईस्वी की क्रांति के समय से ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में फिल इन द ब्लैंक किस देश में शुरू हुआ था? गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इटली है, विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए भाई, बहुत ही स्लो रिप्लाई आएगी तो कैसे काम चलेगा, इतने ही लोग हैं, कोई बात नहीं, रिप्लाई तो आपकी फास्ट आनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 100% स्कॉटलैंड है, ठीक है। अच्छा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, अगला क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड, एक यंत्र होता है, फिल इन द ब्लैंक, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करता है। एनकोड और डिकोड करने का सिंपल से ये समझिए, ठीक है,
मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और डिकोड करने के लिए संकेतों को डीमॉड्यूलेट करता है। ये क्या है, प्रिंटर है ये या फिर सीपीयू या फिर कीबोर्ड है या फिर मॉडेम है? ये काम मॉडेम का है। इसके काम के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनकोड करने के लिए जो मॉड्यूलेट करता है और फिर डिकोड करने के लिए जो डीमॉड्यूलेट करता है वो क्या है, तो ये है मॉडेम। ठीक है, अच्छा आरएएम का फुल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए। आरएएम अगला, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ये अफ्रीका, यहां पर आ जाइए, अफ्रीका का है किलिमंजारो, किलिमंजारो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, तंजानिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको एक और क्वेश्चन बताते चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुआ है, एकांका गुआ है। अच्छा ये अफ्रीका क्या है, अफ्रीका है क्या, फिर समुद्र है, महाद्वीप है, महासागर है, नदी है, झरना है, क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, सबसे लंबी, सॉरी सबसे लंबी पूछ रहे हैं, सबसे लंबी। ठीक है, अफ्रीका द्वीप कब से बन गया? नदी भी बना दो, गड्ढा अड्डा भी बना दो अफ्रीका को। चलिए एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ध्यान दीजिएगा लंबी पर्वतमाला है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और विश्व की आपको हम बताते चलते हैं, एवरेस्ट है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर पड़ता है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर पड़ता है? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, मैंने पूछा था यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर यहां पर सही हो जाता है, पोंटिनक। पोंटियानक ये है भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिन्हें जिनमें 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? चलिए जल्दी से बताइए। पोंटियानक इंडोनेशिया में शहर है, इंडोनेशिया के शहर का नाम है। आगे आइए, महाराष्ट्र और औरंगाबाद दूसरी सदी ईसा पूर्व की है, दूसरी सदी ईसा पूर्व महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं। अजंता की गुफाओं में गुप्त काल के अनेक कृतियां बनाई गई, मेनली आपको ये बताना चाह रहे थे गुप्त काल। ठीक, चलिए एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? एलोरा की गुफाएं
एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? गया फिर से, मुंबई डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए स्टैंप की मुख्य विशेषता क्या है? नेटवर्क सच में कहीं मिलेगा ना, मिल के कूटा जाएगा उसे। चलिए मोबाइल, सॉरी मुंबई वासियों के लिए ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाता है। अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के शुरू किए गए माय स्टैंप की मुख्य विशेषता अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो, ये मुख्य विशेषता थी। और आपको यहाँ पर बताते चलते, भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली है ये कब शुरू की गई थी? भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली ये 1972 में शुरू हुई थी। और भारत में डाक सेवा किसके समय में शुरू हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके समय में? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, किसके समय में शुरू हुई थी? बिल्कुल, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी, डलहौजी के समय में, डलहौजी कब, डलहौजी के समय में कब शुरू की गई थी? 1854 में, 1854 में। मध्यकालीन में सबसे बढ़िया जो डाक प्रणाली थी किसकी थी? शेरशाह की थी, शेरशाह की मानी जाती है। भारत की डाक प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? विकल्प आप सभी के सामने, आराम से विकल्प पढ़ लीजिए। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आराम से पढ़ लीजिए। कार्बन क्रेडिट, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये एक संस्था के द्वारा दिया गया एक सम्मान होता है, कह रहे किसी भी संस्था को दिया गया एक सम्मान होता है कार्बन क्रेडिट। ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, कम हो रहा है, कम होता है तो उसे अच्छे कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट पूरी तरह से ये पर्यावरण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन, रेडियो, जैसे यहां पर टेलीविजन होगा, टेलीविजन, फिल इन द ब्लैंक होगा, फिर छोड़ता है। पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश। प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन, फिल इन द ब्लैंक, छोड़ता है, कौन सी किरण है? ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे हैं। प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है, लाइट इमिशन डायोड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन, रेडियो तरंगे, छोड़ता है, ये सेंटेंस एक पूरा था। तो डायोड बल्ब किसके द्वारा बनाया गया था? डायोड बल्ब फ्लेमिंग 1904 में बनाया गया था। डायोड बल्ब बनाने के लिए
एक लेप का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लेप है बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड का लेप प्रयोग किया जाता है, बेरियम ऑक्साइड का लेप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायोड बल्ब में जो तंतु होता है किसका होता है, टंगस्टन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। डायोड बल्ब में जो तंतु होता है टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सा है जो दंत चिकित्सकों के द्वारा, जो क्या कहते हैं कि ऐसे जो सुन्न लगा दिया जाता है तो उसके स्थानापन्न, मतलब उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर क्लोरीन है। नाइट्रेट होगा यहाँ पर, नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑक्साइड होगा, नाइट्रेट ऑक्साइड ऑप्शन सी सही होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड है। इसका इस्तेमाल दंत चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थेटिक के लिए किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ही है ना विकल्प में, ये भी नहीं चल रहा है आज। कर्सर भी नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, ये क्यों नहीं जा रहा है इसमें, N2O होता है। और आपको बताते चलते हैं, N2O ही है, ये N2O ही है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बताते चलते हैं, जो क्लोरीन है इसका प्रयोग पूछा जाता है, आपको बताएं क्लोरीन है यहाँ विकल्प में, क्लोरीन का एक प्रयोग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, ये पूछा जाता है, तो क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था, किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था भारत में पुर्तगालियों ने, कोचीन है, गोवा है, कराईकल है, सूरत है, विकल्प कौन सा सही होगा, इतने ही लोग कम से कम रिप्लाई थोड़ा सा फास्ट करते रहिए। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, कोचीन है, ऑप्शन ए कोचीन है, ठीक है। भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन के कोचीन पर अपना पहला किला निर्माण किया था। भारत आने वाले प्रथम जो विदेशी व्यापारी कंपनी थी वो पुर्तगालियों की ही थी ना, चलिए प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत कब आता है, 1498 में, 1498 में आते हैं। और कहां पर, केरल के कालीकट तट पर, कालीकट, कालीकट तट पर आते हैं, ये आप सभी को पता है, ये कहां पर है, केरल है, ठीक है। और प्रथम किले का निर्माण पुर्तगाली के द्वारा कोचीन में कराया गया था, 1502 में कराया गया था। और प्रथम जो पुर्तगाली कारखाना था ये भी 1502 में ही कहां पर खोला गया था, कोचीन में खोला गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या मृत्यु, सॉरी, विज्ञान की एक शाखा, जीवन के बाद हमको मृत्यु समझ आता है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है, जीवन या पृथ्वी से परे मतलब बाहर की तरफ, एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म, क्या विकल्प सही होगा, एक्सो बाहर की बात हो रही ना, इससे परे, इससे परे, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होती है। वर्तमान में एक और ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है जिसका नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से रिलेटेड अगर मन करे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग लिख सकते हैं। जापान के राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है,
जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर। चादर किसकी पोशाक होती है? लंगा, सरोंग, लुंगी होगा, पता नहीं क्या लिखा है। चलिए जो विकल्प सही है उस पर फोकस करते हैं। चलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, किमोनो। ऑप्शन डी किमोनो। विकल्प में ठीक है। चलिए किमोनो है। और अरे जापान बड़ा विकसित देश है। जापान को एशिया का यूरोप भी कहते हैं, एशिया का यूरोप भी कहते हैं, एशिया का यूरोप भी कहते हैं। ये अच्छा, जापान का पुराना नाम क्या था? जापान का पुराना नाम जिसका मतलब होता है उगता हुआ सूर्य का देश। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम के हमले को झेला है। और हिरोशिमा नागासाकी, जापान का पुराना नाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निप्पन या फिर कोई निपोन बोलता है, जो भी जिसका मन करता है वही बोल देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास जगह खरीदी? निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया? मतलब किसने माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को हराया? अच्छा निप्पन है। अगला क्वेश्चन है। ठीक ठीक सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए मोहम्मद गौरी को हराया भीमदेव सोलंकी, प्रथम जो भी यहां पर प्रथम लिखे गए हैं। चलिए सबको आप लोग पढ़िए फिर रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन भीमदेव सोलंकी प्रथम, भीमदेव सोल मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। ठीक है, मूल राज द्वितीय है। यहां पर पूछा गया है गौरी, मोहम्मद गौरी को किसने हराया, तो विकल्प आपका सी सही होगा, मूलराज द्वितीय। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के मूलराज द्वितीय ने ये हराया था। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है भैया, सी पे लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के लिए जो जोड़ियां हैं उनमें से तीन कुछ तरीके से एक जैसे और एक अलग है, कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है? जब बोलेंगे तब साउंड आ जाएगा। मूलराज द्वितीय लगाइए ना। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स है, माइकोलॉजी फंजाई है, बायोलॉजी बॉटनी है, फाइकोलॉजी एल्गी है। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये अलग है। देखिए ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, सही है, माइकोलॉजी में फंजाई का और फाइकोलॉजी में एल्गी का। एल्गी शैवाल है, फंजाई कवक है, बर्ड मतलब चिड़िया हो गया। ठीक है, तीनों सही है। बायोलॉजी में बॉटनी और प्लस यहाँ पर जूलॉजी भी होता है। ठीक, चलिए
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? एकाधिक वोट है, एक आदमी एक वोट है, कोई वोट नहीं है, एक हिस्सा एक वोट है। आजकल वोट का पूरा मतलब पूरी बाहर चली हुई है ना सभी के यहाँ पे, पंचायत चुनाव। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, एक आदमी एक वोट। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला जो सिद्धांत होता है, एक आदमी एक वोट, ये होना चाहिए। सहकारी जो समिति होती है इसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार होता है, समानता पर इसमें बल दिया जाता है, इसलिए एक आदमी एक वोट। भारत में जो सहकारी समितियां होती कृषि क्षेत्र में, ये ज्यादातर देखने को मिलती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था? ये भैया देखिए ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा हुआ था? मैडम मोहन, देख रहे हैं कैसे लिखा, मदन मोहन मालवीय है, वीडी सावरकर, शरद चंद्र, बटुकेश्वर दत्त। हाँ अगर लड़ने का मन, पहले लड़ लेना चाहिए, कायदे से। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। ऑप्शन बी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है कमला। चल और वीडी सावरकर ने 1909 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में 1857 ईस्वी की क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वीडी सावरकर ने। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? कुंभ का जो मेला लगता है कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? विकल्प कौन सा सही होगा? ग्वालियर है, भोपाल है, उज्जैन है या फिर इंदौर है? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, सबकी रिप्लाई सही होनी चाहिए। ऑप्शन सी उज्जैन है, कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। कुंभ मेला से माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए 12 वर्षों पर कुंभ लगता है और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार में पहला है, नोट कर लीजिए, हरिद्वार, गंगा नदी यहाँ पर है, इलाहाबाद में है जिसका नाम हो गया प्रयागराज, गंगा यमुना नदी या और संगम का मतलब सरस्वती का भी संगम माना जाता है, छुपी हुई है। और फिर तीसरी जगह कौन सी, नासिक, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी नदी, तो यहाँ पर संगम लगता है, कुंभ मेला लगता है। नासिक हो गया, हरिद्वार, उज्जैन, नहीं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और चौथा है आपका बसता है उज्जैन, ये छिप्रा नदी। ठीक है अगला क्वेश्चन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये जितना मैंने बताया ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ओरल जो पोलियो वैक्सीन है, फिल इन द ब्लैंक, किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहिए।
वेरी गुड, बहुत जल्दी 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 से बताते रहिए, बहुत आसान है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, चलिए 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 अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होती है, विटामिन के, डी, ए या फिर बी? विकल्प कौन सा सही होगा? बहुत ही आसान सा है, रिकेट्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है। डी लगा दें, ऑप्शन बी। हमने विटामिन डी की बात की है, ऑप्शन बी की बात है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, ध्यान दीजिएगा जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, बच्चों में रिकेट्स होता है, लेकिन बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और विटामिन डी सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में भी अच्छी खासी मिलती है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और ए डी ई के, आपसे मैंने बताया ए डी ई के, इसको अगर आप आगे पीछे करेंगे के ई डी ए, कीड़ा हो गया, तो ये कीड़ा तेल में घुल जाता है, तो आप तेल क्या होता है? वसा होता है। आराम से कह सकते हैं कीड़ा वसा में घुलता है, तो के ए डी ई के जो है कीड़ा, ये विटामिन जो है वसा में घुलने वाले, बाकी जो बचता है बी और सी ही बचता है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? चलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए केपलर का नियम जो कहता है उनमें से एक नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर डी सही हो जाता है। क्या बोले, ऑप्शन डी सही होता है। कक्षी जो ऑर्बिटल है अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, जो कक्षी अवधि है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ये प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है। ठीक है, तो बस इतना जानिए। और केपलर ने ग्रह की कक्षाओं से संबंधित नियमों की खोज की थी, ग्रह के कक्षीय, केपलर ने ग्रह ही कक्षाओं के नियमों की खोज की थी, और इन्होंने सूर्य को केंद्र माना था। ठीक है, और चलते हैं सभी क्वेश्चन का कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन, अगर आप लोग हैं प्रेजेंट हैं तो। चलिए अगर यहाँ पर फटाफट से रिविजन करते चलते हैं, इसे थोड़ा सा जूम करना है बस। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, यहाँ पर थोड़ा सा जूम, चलिए चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया? ऑप्शन सी महानदी। लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा पोडोफिल्लम है, ऑप्शन बी। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी संग्रहित की जाती है? ऑप्शन सी तरल अवस्था। विषम को चुनना है, विषम को चुनना है यहाँ पर ब्रोमोस, ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में
निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर सी है, ठीक है, 93वां संशोधन। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए सफेद और नीला। ऑप्शन ए सफेद और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? ऑप्शन बी। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ऑप्शन सी इलेप्टिकल। एक इसको छोड़िए, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? आर्थर एश की है। नेक्स्ट है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक के कारण पाया जाता है? विथियोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक साम्राज्ञी बन गई है, उनकी मतलब उन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? ऑप्शन डी से हो जाता है, महारानी विक्टोरिया के। अगला क्वेश्चन, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ? गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन बी स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों या सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, मॉडेम। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? उत्तर आपका ए सही हो जाता है, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की जो गुफाएं हैं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई, वो कितनी प्राचीन थी? बी, ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन बी। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए स्टैंप की मुख्य विशेषता? अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन, क्या छोड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है, रेडियो तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया? ऑप्शन ए कोचीन। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक तीन एक है और एक तीन एक समान है, एक अलग है, वो अलग को अलग करना है। तो बायोलॉजी बॉटनी, ये बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी का मिश्रण होता है, मतलब मिक्सअप होता है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत को सिद्धांत कौन सा है? एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। सबसे
सबकी वैल्यू है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिख डाला? महाकाव्य का नाम था कमला। उत्तर आपका सही हो जाता है बी, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ही थे। अगला क्वेश्चन है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? ऑप्शन सी उज्जैन, छिपरा नदी के तट पर। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन सी। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित हो तो व्यक्ति में ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी है। निम्न में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। कल मिलेंगे, नेटवर्क वगैरह सही रहेगा और हमारे पास पूरा टाइम है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको बताना है सूरत किस नदी के तट पर है। सूरत आज का सवाल है, सूरत किस नदी के तट पर है, सूरत किस नदी के तट पर है। और लखनऊ, जौनपुर किस नदी के तट पर है, आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन की रिप्लाई करनी है। कल की क्लास का रिवीजन कल करेंगे, कल भी कर देंगे, आज नेटवर्क उतना सही नहीं है। कल करेंगे आज की भी क्लास का रिवीजन और कल की भी क्लास का रिवीजन, तो सारे रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन हम सबका करवाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत रहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। और नेटवर्क ना होने की वजह से भी दिक्कत हुई क्लास में, फिर भी आप लोग जुड़े रह गए, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, और आप लोग खा पी के सो जाइए, जैसा भी जो भी करना है। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जब भी हम कोई क्लास आप लोगों को देना चाहते हैं, नेटवर्क इतना गड़बड़ होता है, इतना गड़बड़ होता है, कुछ हो ही नहीं पाता। हाँ, कल 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 के क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, आज नेटवर्क उतना सही है नहीं। लास्ट प्रश्न वो एक बार और, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है और लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। चलिए, अभी जब नेट आया तो आप जा रही हैं। चलिए हम फिर मिलेंगे, कल नेट रहेगा बहुत अच्छा खासा। चलिए बाय, गुड नाइट।